Hajo is one of the important historical and archaeological sites in northeastern India, as it preserves the history, inscription, and architecture in a range of temples and monuments over about 1200 years. It is also a site known for its tradition of preserving rare species of tortoises, with Hindus believing that they are the form of Kurmavatars of Vishnu. Hajo is a historic town set in the hills northwest of Guwahati, Assam, in India. It is a meeting point of Buddhists, Hindus, and Muslims due to the various pilgrimage sites on the different hills of Hajo. To the Hindus, the Manikud Parbat of Hajo is the site of the 10th century temple ruins and 11th to 16th century temples complex for Vaishnavism, as well as shrines of Shaivism and Shaktism. To the Buddhists, particularly from Bhutan and Tibet, Assam is where Buddha died, and the Hayagriva temple in Hajo is a part of the sacred geography of the Buddha. To the regional Muslims, the Mughal era Puamakka shrines on another hill of Hajo has the tomb of Ghiyasuddin Aulia built in 17th century. So Hajo jo area hai isko Panchatirth bolte hain, aur Panchatirth list mein jo ek mandir shamil hai wo hai Kedareshwar mandir, और आज हम वही केदार मंदिर को विजिट करने जा रहे हैं। तो वीडियो में मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा आखिरी तक। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड में केदार मंदिर के डायरेक्शन दिया हुआ है। चलिए पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, ये बहुत हाइट पर है, तो हम लोग थोड़ा सा मजा लेंगे ऊपर जाते जाते। और कहावत है कि आगे एक महाभारत का जो भीम है, भीम जिसमें खाना खाते थे उसको बोलते हैं पंता। पंता मीन्स असम में वो रात को जो भात होते हैं तो भात को भिगा के रखता है और सुबह होते हैं वो खाते हैं। उसका बहुत साइंटिफिक मेडिकेटेड वैल्यू बहुत मिलते हैं, तो इसीलिए आजकल ये पंता जो है वो US में बहुत फेमस है। ये US वालों ने हमसे अडॉप्ट कर लिए हैं। थोड़ा सा हम दिखा देंगे, रास्ते पे मिलेगा। तो भीम ने पंता खाए थे, इतना बड़ा जो गमला है। चलिए देखते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ के लोगों ने इसको पूरा प्रिजर्व करके रखे हैं। हमको तो मालूम नहीं, लेकिन ये पत्थर का बनाया हुआ कटोरी है, थाली भी बोल सकते हैं, इतना बड़ा क्या बोलूं। तो चलिए देखिए ये कितना सुंदर से इसको अभी लेकिन ये जो है रिनोवेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करेगा। ये देखिए कितना बड़ा है, हजारों लोगों को खाना इसमें बन जाएगा। बहुत ही एक सुंदर नजारा है पहाड़ का। ये ऊपर चढ़ना पड़ता है केदार मंदिर में जाने के लिए। यहाँ एक व्यू पॉइंट भी रखे हुए हैं, तो वो व्यू पॉइंट से दिखा के आएगा। चलो जाओ, दिखा के आओ व्यू पॉइंट से, बढ़िया से पूरा पेड़ वेड़ सब कुछ दिखा देना। देखिए पूरा नजारा देखिए, बहुत ही बढ़िया से, कितना सुंदर है। पूरा इको फ्रेंडली एरिया है, पूरा ग्रीनरी है। चलिए हम लोग गाड़ी पार्क कर दिए हैं यहाँ, और चलेंगे केदार मंदिर विजिट करने के लिए। ऊपर से ऊपर जाना पड़ेगा, ये देखिए पूरा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा हमको। आज हम एक बहुत ही बढ़िया एरिया में है, एक हिल्स जिसका नाम है मदनासला हिल्स, और ये मंदिर का नाम है केदार मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। और ये 1753 में उस समय का अहोम राजा राजेश्वर सिंह ने ये मंदिर को स्थापित किए थे, एस्टाब्लिश किए थे, तब से ये मंदिर चालू है। 1753 में ये मंदिर को स्थापन किया गया था, और यहाँ हजारों लोग आते हैं। ये देखिए पत्थर, हजारों साल पुराना ये पत्थर, राजा महाराजा के जमाने का पत्थर है। उस समय का आर्ट, इसमें पत्थर के ऊपर आर्ट करते थे। मैं थोड़ा सा यहाँ उठ के आता हूँ,
देखिए, ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से अगर गिर गया तो जिंदगी बर्बाद, नहीं जाते अंदर। यस, ये देखिए कहाँ चढ़ गया हूँ। देखिए ये पूरा पेड़ ही पेड़ है, हर जगह फॉरेस्ट एरिया है और पूरा इको फ्रेंडली, बहुत ही मजा आता है। आप लोग आइए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, यहाँ का मजा लीजिए, ये जगह का मजा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए केदार मंदिर है, जो भगवान शिव का मंदिर है। तो ये मेरे भाई लोग जाएगा अभी अंदर, मुझे जाना अलाउड नहीं है बिकॉज मेरे पापा का देहांत हो गया था, एक साल हुआ नहीं। हमारे हिंदू धर्म के नियम से एक साल तक हमको मंदिर जाना माना है। ये देखिए दुर्गा माँ का मंदिर है, जिसको दुर्गा देवालय बोलते हैं, मतलब केदार मंदिर के पास में ही है। थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे क्या है। बहुत गर्मी है लेकिन वो फ्लोर वगैरह बहुत गर्म हो गया है, खाली पाँव रखना बहुत मुश्किल है। यहाँ थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, और आगे एक तालाब भी है, यहाँ क्या है देखते हैं। लोग आते तो पूजा करने से पहले यहाँ मतलब वो पाँव वाव धो लेते हैं, और इसमें घड़ियाल भी मिलता है, घड़ियाल भी है यहाँ, तो थोड़ा सा रिस्की है। अच्छा, कछुआ भी है इधर, मछलियाँ भी हैं, लेकिन उतना तो नहीं है माधव मंदिर में जितना है ये मंदिर में। केदार मंदिर के अंदर में और बहुत सारे मंदिर है, दो तीन मंदिर है। कितना सुंदर, देखिए कितना पवित्र जो है, एकदम सुकून मिलता है और यहाँ आके बहुत ही मजा आ जाता है। सच में ये जगह में आने के बाद वापस जाने का मन ही नहीं होता, कितना एक सुंदर नजारा। चलिए यहाँ नीचे एक गणेश मंदिर भी है छोटा वाला, तो वो भी थोड़ा सा हम लोग देख के आते हैं कैसा है। थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा लेकिन। आशा करता हूँ ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन जरूर मिल गया होगा, और वीडियो शायद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लगे तो काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर नए परमंस ब्लॉग का वीडियो वॉच कर रहे हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं वेरी सून विथ अनदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे कम्फर्ट, बाय बाय।